ये बड़ा इल्जाम है, जस्ट बड़ा एक्विजिशन है, दैट यू सेड समवन हुज वेरी क्लोज टू द आरएसएस एंड प्राइम मिनिस्टर एन एमपी वेंट ऑन दावत विद असदुद्दीन ओवैसी. यस, दिस इज अ बिग एक्विजिशन. 100% आई एम ऑन रिकॉर्ड. यस, आई एम ऑन रिकॉर्ड. जिम्मेदारी से, यकीन से मैं कह रहा हूँ, आप बीजेपी आरएसएस नेता के साथ दावत में बैठे या नहीं बैठे, आप मक्का में आकर आप कुरान उठाने के लिए आप तैयार है क्या? ऐसे बात आगे लेकर गए तो उनके लिए ठीक नहीं है कि और किसी के लिए शोभा भी नहीं है. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कभी आपस में प्राइवेट पर्सनल डिस्कशंस भी रहते, कभी प्राइवेट पर्सनल डिस्कशंस को डिस्क्लोज नहीं करना है, मगर एमआईएम के नेता, बीजेपी जो इम्पोर्टेंट नेता है, एमपी है, योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह का, बहुत सारे नेताओं को बहुत नजदीक आदमी है, असदुद्दीन ओवैसी का खास दोस्त है नहीं है, दावत में बैठे या नहीं बैठे, तब आप आरएसएस का कट्टर लोगों से आप दावत में बैठ रहे उठ रहे. दूसरी बात, मैं कभी की 99 में, 95 में और अदरवाइज 85 मेरा कॉलेज डेज में विद्यार्थी परिषद में था, नहीं तो आरएसएस के साथ आपका संपर्क है, सब सारे इल्जाम लगा रहे. मैं आज के तारीख में कांग्रेस में हूं. मैं असदुद्दीन ओवैसी से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, भाई आप माइनॉरिटी का ठेकेदार है, आप मुस्लिम माइनॉरिटी है, आप क्यों मोदी से जोड़कर काम कर रहे हैं? 99 में किशन रेड्डी के लिए रेवंत रेड्डी काम किया बोल रहे हैं, मगर 2023 में असदुद्दीन ओवैसी मोदी के लिए काम कर रहे हैं ना. ये बड़ा इल्जाम है, जस्ट बड़ा एक्विजिशन है, दैट यू सेड समवन हुज वेरी क्लोज टू द आरएसएस एंड प्राइम मिनिस्टर एंड एमपी went on Dawat with Asaduddin Owaisi. Yes, 100% I am on record. Yes, I am on record. जिम्मेदारी से, यकीन से मैं कह रहा हूँ, आप अगर कोई किसी से मिलना, किसी से बात करना गुनाह है, तो किशन रेड्डी, मैं अगर साथ में काम किया, ये वो जितना भी इल्जाम लगा रहे, उसके लिए आप भाग्यलक्ष्मी मंदिर में बुला रहे. भाई पर्सनल रिलेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स. अगर आप पर्सनल रिलेशन को पॉलिटिक्स को आपको मिलाना चाहता है, तो मैं आप जो पूछ रहे मैं काम करता हूं. आज के तारीख में मैं सेक्युलर हूं, मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं राहुल जी के ऊपर भरोसा करके आज कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं. भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आऊंगा, गीता उठाऊंगा मैं, कि मैं सेक्युलर हूं. कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाया, मैं सेक्युलर से सरकार, हमारे कांग्रेस के सरकार चलाते हैं. मैं मंदिर में आने के लिए, गीता उठाने के लिए मैं तैयार हूं. मैं नेता को मैं पूछना चाहता हूं, आप बीजेपी आरएसएस नेता के साथ दावत में बैठे या नहीं बैठे, आप मक्का में आकर आप कुरान उठाने के लिए आप तैयार है क्या? तो ऐसे बात आगे लेकर गए तो उनके लिए ठीक नहीं है कि और किसी के लिए शोभा भी नहीं है. Why has Revanth Reddy become target number one to Asad, to KCR, to BJP? All of them are targeting Mr. Revanth Reddy. It is not targeting Revanth Reddy. It is targeting, they are targeting Congress party. Why? Because I am representing Congress party. I am the being an PCC president. They are focus on me. ये कांग्रेस को किसी हाल तेलंगाना में हराने के लिए तीनों इकट्ठा होकर इस चुनाव में हराने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसी लिए मेरे को टारगेट करके ये बात बोल रहा है.